ओके सो गाइस, आज हम सब जानते हैं कि पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और पोल्यूशन से होने वाली प्रॉब्लम्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते। और इनमें से एक प्रॉब्लम है हमारे फेस को लेके, जो कि ब्लैक हेड्स, पिंपल्स और एक्ने वगैरह। तो ये पोल्यूशन डस्ट वाले एरिया में जाने से होते हैं और ऑयली फूड खाने से। तो इन सब से हम कैसे बच सकते हैं, तो और आज इस वीडियो में क्या होने वाला है, तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, आप सबको खुद पता चल जाएगा। ओके सो हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू माय चैनल अदर वीडियो। सो गाइस, मैं नैलिश क्रेजी। तो गाइस, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल और बेनिफिट वाली होने वाली है, क्योंकि ये कोई आज व्लॉग नहीं होने वाला, ये हमारी स्किन के ऊपर वीडियो होने वाली है। जो कि मैंने पिछले हफ्ते मैंने प्रोडक्ट पूरी किट ऑर्डर की थी, तो मैंने सोचा उसके ऊपर कि मैं वीडियो बनाऊंगा, बट टाइम नहीं लग रहा था। बट आज मैंने सोचा कि आज वीडियो बनाते हैं इसके ऊपर और आपको मैं बताऊंगा कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं। और ये मुझे ज़्यादा वो के बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि वो के प्रोडक्ट कितने ज़्यादा औसम और बढ़िया हैं। फेस वॉश क्यों करते हैं पहले? क्योंकि हमारा फेस क्लीन रहे, साफ रहे। बट सिर्फ फेस वॉश करने से फेस साफ नहीं होता है, मैं आपको सब इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट वाली होने वाली है। तो ये वीडियो खास करके लड़के के नहीं होने वाले, कि 50% 50 से भी ऊपर आपके जो एक्ने वगैरह पिंपल्स है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूज़ करने वाले हैं वो है हमारा फेस स्क्रब, वो भी वो का, तो आप देख सकते हैं। तो ये यूज़ करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे पास एक स्टीम है, जिससे हम फेस को मतलब भाफ देते हैं, स्टीम देते हैं अपने फेस को, जिससे हमारा फेस के जो एक्ने वगैरह हैं, जो पिंपल्स हैं, वो उस हीट से बाहर आ जाते हैं। उसे हम बाद में क्लीन करके फिर मैं स्क्रब करने वाला हूँ। तो आप मतलब अगर नहीं है तो आप एक बर्तन में पानी गर्म करके उसमें गुलाब जल डालकर या स्टीम ले सकते हो अपने फेस को। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन से प्रोडक्ट है। तो ये फेस स्क्रब है, मैंने जैसे आपको दिखाया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जो फेस वॉश हमारा जो है, तो ये वाला है। पहले जो फेस वॉश, उसे हम लगाकर अपने हाथों से अपने रब करना पड़ता था, बट अभी वैसा नहीं है। अभी मतलब इसमें एक ब्रश मिलता है, जिससे आप बस फोम सी निकलती है, इसे आप प्रेस करोगे, इससे फेस वॉश जो निकलेगा वो आप ऐसे अप्लाई कर सकते हो अपने फेस से, वो भी अच्छी तरीके से इससे साफ़ होता है। ये है चारकोल पील ऑफ मार्क्स, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये पील ऑफ मार्क्स है, ये फेस पैक नहीं है, पील ऑफ मार्क्स है। तो अच्छे तरीके से आप देख लो। तो ये भी वो का है, शायद ये कोई डुप्लीकेट वो का नहीं है, ये ओरिजिनल वो का है। सीधा मैंने अमेजोन या फ्लिपकार्ट से सीधा नहीं मंगाया, वो की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे मैंने ये ऑर्डर किया है। वो और एक ये सिरम है जो हम लास्ट में अप्लाई करने वाले हैं। तो ये भी कैसे अप्लाई करेंगे मैं आपको बताऊंगा, बट आप देख सकते हैं। तो ये सिरम है, ये देख सकते हैं आप। सबसे पहले हम स्क्रब करेंगे। अब इसकी स्मेल भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, ये आप देख सकते हैं। Show me loving. I need your loving. 'Cause I'm drowning in something and I can't come out. So show me loving. I need loving. तो गाइस, जो हमने अपना स्क्रब है वो करके हमने अपना फेस अच्छी तरीके से साफ कर लिया है, तो आप देख सकते हैं। तो इसके बाद हमें क्या करना है कि इसके बाद हमें हमें लगा के रखना कि ये अच्छी तरीके से ये ड्राई हो जाए। हाँ,
तो देखा आपने ये कितनी आसानी से रिमूव हो गया मेरे फेस से, बट ये आपको अच्छी तरीके से इसे सूखने देना है। तो ये फ्री हो गया, अच्छी तरीके से मैंने सूखने दिया, मैंने कम से कम 30 मिनट से भी ऊपर इसे रखा और ये अच्छी तरीके से ये सूखे। ये देख सकते हो आप इसके अंदर ये कितना, ये देख सकते हो आप, ये देखो कितना जो हमारे फेस के ऊपर डस्ट होती है वो निकली है। ये देख सकते हो आप फेस, देख सकते हो मेरा, ओके। तो इसे आपको हफ्ते में एक बार तो आपको इसे लगाना ही है। अगर नहीं लगाना तो आप स्क्रब या ये दोनों में से एक कर सकते हो। स्टेप था वो हमारा फेस वॉश है, जो कि अभी हम इसे फेस वॉश करेंगे अपने फेस को। के ऊपर जो कवर लगा है हमने रिमूव कर लिया है, तो ये देख सकते हैं ये कितने सॉफ्ट इसके ऊपर ब्रश लगे हैं। तो हमें अभी हाथ से लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा अभी अपने फेस के ऊपर पानी लगाएंगे। मैं अपना फेस वॉश करके आ चुका हूँ, तो ये देख सकते हो तो मुझे अभी बहुत ज़्यादा फ्रेश फील हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर चारकोल एक्टिवेट फोमिंग फेस वॉश है, तो आपको बहुत ज़्यादा ये फ्रेश फील कराएगा। तो मैंने अभी अपना फेस वॉश कर लिया और मुझे बहुत ज़्यादा अपना फेस जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और क्लीन लग रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अभी हमारा लास्ट स्टेप जो रह गया है वो है हमारा सीरम, तो इसका हम अभी इससे क्या होगा कि आपके जो सीरम है इससे आपका जो मतलब फेस आपने वॉश किया है उससे आपका एक तो फेस आपका ड्राई नहीं होगा, दूसरा आपका फेस जो है मॉइस्चराइज़र। और सर आपको ये बाय करना है चार सामान, तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप बाय कर सकते हो। बात आती है इसके रिज़ल्ट की, जो कि आप देख सकते हैं, और जो मेरा ओपिनियन है मुझे खुद को महसूस हो रहा है कि मेरा फेस जो है बहुत ज़्यादा क्लीन और साफ़ हो चुका है। मैं जब अपने फेस के ऊपर हाथ लगा रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा ही साफ और क्लीन लग रहा है, कोई ब्लैक हेड्स या कोई। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करके जरूर जाना, और चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, जो नीचे लाल सब्सक्राइब करना उसे प्रेस करना मत भूलना। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो, सो स्टिल दैट क्रेजी।